हेलो गाइस, तो मैं एक और प्रोडक्ट के रिव्यू के साथ हाज़िर हूँ। तो प्रोडक्ट का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि मैं जैसे ही किसी भी प्रोडक्ट का रिव्यू अपलोड करूँ तो आप लोगों को फ़ौरन नोटिफिकेशन मिल जाए। तो जो आज का हमारा रिव्यू है वो है एवरीन कॉस्मेटिक्स, जो कि बहुत ही फेमस है हमारे मुल्क में। उसका जो है वो स्क्रब, जो कि है फॉर यानी कि क्लीन योर स्किन के नाम से है, ठीक है। और ये जो है वीगन है, मतलब इन्होंने ये कहा हुआ है कि ये आपके लिए जो है वो एक जो नेचुरल प्रोडक्ट से बनी होती है वो है। और ये एंटी बैक्टीरियल है विथ AHA, ठीक है। AHA वो होते हैं जो आपके लिए स्किन को जो है वो रिफ़्रेश करते हैं, यानी कि जो डेड स्किन को रिमूव करने के लिए यूज़ होते हैं AHA एसिड्स। तो इसके अंदर वो AHA एसिड यूज़ किए गए हैं जो कि आपकी अपर स्किन में सरफेस को रिमूव कर देते हैं, लेयर को, और अंदर से जो है एक रिफ़्रेश और न्यू और जो है वो वाइट और ब्राइट स्किन जो होती है, जिस पे कोई दाग धब्बे नहीं होते, वो आपकी स्किन निकल कर आ जाती है। और जब आप इसको वीक में 2 दफ़ा यूज़ करते हैं तो ये आपकी स्किन को कंटिन्यूसली रिफ़्रेश करती रहती है, तो आपका एक अच्छा कॉम्प्लेक्शन मेंटेन होना शुरू हो जाता है, ठीक है। क्योंकि वो बिल्डअप आपके स्किन पे नहीं होता और ये आपके पोर्स को भी क्लीन करती है और साथ में जो है उनका साइज़ को भी छोटा करती है, तो आपका एक स्मूथ कॉम्प्लेक्शन और एक स्मूथ स्किन आती है। तो इस पे लिखा हुआ है कि जनाब SOS, यानी कि अगर कोई मसला है, मतलब SOS हम इसलिए यूज़ करते हैं जब हमें कोई मसला हो, तो ये उसके लिए भी है कि अगर कोई स्किन का इशू चल रहा है तो ये आपका जो है वो अल्ट्रा प्योरीफाइंग स्क्रब है, ठीक है ना। और ये जो है आपकी स्किन को जो है वो एक बेनिफिट देगा और उसको जो है वो क्लीन कर देगा। और इसको लगाकर आप जो है इससे फील करेंगे कि आपके दाने भी कम हो रहे हैं, आपका स्किन का कलर भी साफ़ हो रहा है, स्किन भी फ्रेश हो रही है, कॉम्प्लेक्शन भी फ्रेश हो रहा है। और इसके अंदर आपको ना ये ब्लैक ब्लैक सा ना वो मिलेगा, देखें कलर। और इसकी जो फ्रेग्रेंस है ना वो ऐसी है जैसे वो थोड़ा सा आप कोई ऐसी चीज़ लगा रहे हो जो मेडिकेटेड सी है, ठीक है ना, जिसमें चारकोल है, देखें बैम्बू चारकोल, जैसे ब्लैक कलर है ना ये चारकोल को शो करता है। बैम्बू चारकोल वैसे भी आजकल बहुत इन है स्किन की जो है वो प्रोडक्ट्स में। और ये इसमें लिखा है कि आपने इसको हफ्ते में 2 दफ़ा लगाना है फेस पे, आप चाहें तो नेक पे भी लगा लें, अक्सर लोगों को नेक पे भी दाने निकल आते हैं। तो ये ख़ासतौर पर एक्ने प्रोन स्किन के लिए है, जैसे टीन एज में आपको निकल आता है तो इसको आप लगाएंगे तो ये ब्लैक ब्लैक सा कलर ऐसे आपके फेस पे आ जाएगा, तो उससे परेशान नहीं होना। क्योंकि इसमें बैम्बो चारकोल और चारकोल हम उसको कहते हैं जो ब्लैक कलर में आपको एक नेचुरल प्रोडक्ट मिलती है, वो उसके लिए यूज़ होता है। और AHA मैंने आपको बता दिया कि ये आपकी स्किन को रिसरफेस करता है। और ये इसमें लिखा, देखें, ये टाइटन्स द पोर, प्यूरीफाइज एंड स्मूथेज द स्किन एंड प्रिवेंट्स स्पॉट्स एंड ब्लेमिशेस। ये आपकी स्किन पर जो निशान पड़ जाते हैं, धूप से सनटैन हो जाता है, ब्लेमिश हो जाती है, उसको भी प्रिवेंट करता है। और अगर जो ऑलरेडी मौजूद हैं उनको भी ऐसा ऐसा ख़त्म करता जाएगा जैसे जैसे आप इसको यूज़ करते जाएंगे। जब AHA अपना काम करेगा, ठीक है, तो वो जो आपकी एक स्किन होती है उस लेयर को जो एक एसिड पील होता है ना, जो आजकल काफ़ी फेमस है, एसिड पील भी है, वो भी है इसके अंदर एसिड ना थोड़ा बहुत उन्होंने डाला हुआ। तो जब आप इसको लगाओगे तो स्क्रबिंग के साथ साथ ये पीलिंग का इफेक्ट भी करेगा, ठीक है, AHA अपना काम भी करेगा, ठीक है, तो ये डबल आपको फ़ायदा देगा, ठीक है ना। तो इसको आपने अगर कंटिन्यूसली यूज़ किया है, लेकिन पहले आप देख लीजिए कि अगर आपको ये सूट करता है, 1-2 दफ़ा आप यूज़ करेंगे तो आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि हर एक की स्किन थोड़ी सी डिफरेंट होती है, किसी की स्किन पे कोई चीज़ सूट करती है, कोई ज़्यादा सेंसिटिव होता है, तो इसलिए ये है कि आप जो है जब इसको यूज़ करें तो आप पैच टेस्ट कर लें, ताकि अगर कोई एलर्जिक हो तो वो पता चल जाए। क्योंकि जो केमिकल्स होते हैं इनमें डले हुए, वो आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा हार्म भी कर सकते हैं, तो इसलिए पैच टेस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी जो है वो केमिकल प्रोडक्ट को यूज़ करने से पहले। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि पहले पैच टेस्ट करें और फिर 1-2 दफ़ा यूज़ करके देखें कि आपकी स्किन को सूट कर रहा है कि नहीं। तो ये था आज का हमारा रिव्यू। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।